तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इतनी हेल्प की मेरी, मैं नहीं आऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों कहते हैं प्यार सबकी जिंदगी संभाल देता है, लेकिन प्यार किसी की जिंदगी बचा भी देता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत देश के एक ऐसे कपल के साथ जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो कि उन्हें हिला कर रख देगी। जी हाँ, जून 2013 में विजयकांत और लीला जो कि अलवर के रहने वाले हैं उत्तराखंड की तरफ चले गए। उन्हें लगा कि वो एक ऐसे ट्रिप पर जा रहे हैं जहाँ उनको जिंदगी भर के लिए काफी खुशनुमा यादें मिलेंगी और जिसे वो बाद में याद करके हंसेंगे मुस्कुराएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। विजयकांत जो कि एक टूर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था अपनी बीवी के साथ उत्तराखंड पहुंच गया। आपको बता दें कि जून 2013 वो समय था जब उत्तराखंड ने एक ऐसे बाढ़ का सामना किया जो कि पूरे प्रदेश को हिला कर रख देने वाला था। बुरी किस्मत और इस बाढ़ के वक्त वहां ना जाने कितने हजारों लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया और कई लोगों ने अपने पूरे परिवार को अलविदा कह दिया। लगता है कि विजयकांत और लीला की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, क्योंकि इस बाढ़ में लीला गायब हो गई। जी हाँ, विजयकांत और लीला जो कि टूरिस्ट बनकर इस प्रदेश में आए थे अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज ही खो बैठे, जो था उनका एक दूसरे का साथ। इसके बाद 1.5 साल तक विजयकांत ने पूरे उत्तराखंड में लीला की तलाश की और जब लीला को ऑफिशियली डेड घोषित कर दिया गया और उसके परिवार को कंपेंसेशन भी दे दिया गया, उसके बाद भी विजय ने हार नहीं मानी। वो उत्तराखंड में अपनी बीवी की तलाश करता रहा। अपने परिवार से दूर, अपने 5 बच्चों से दूर विजयकांत हर एक गांव में गया जहां उसके पास लीला की एक तस्वीर थी और एक उम्मीद थी कि वो अपने बीवी को लेकर ही घर लौटेगा। उसने आसपास के सभी रहने वाले लोगों से पूछा कि क्या वो किसी को जानते जो इसकी तरह दिखती है या फिर किसी को लीला के बारे में पता हो, जहां उसे हर दिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी किस्मत तब खुली जब जनवरी 2015 में 1.5 साल बाद उसे किसी ने बताया कि उन्होंने उसकी बीवी को वहीं पर घूमते हुए देखा है। विजयकांत ने अपनी बीवी लीला को ढूंढा और उसे ये मालूम चला कि बाढ़ में पूरी तरह से घायल होने के बाद लीला काफी सहम चुकी है और वो विजयकांत को पहचान भी नहीं पा रही थी। लेकिन विजयकांत ने अपनी बीवी को बचाया और उसे वापस अपने साथ घर लेकर गया। लीला को आज अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार मिल रहा है और अब वो पहले की तरह होने की राह पर है। कहते हैं ना, प्यार और हिम्मत सब कुछ बदल सकता है। तो क्या कुछ ऐसा ही प्यार की कहानी हमें देखने को मिल सकती है आशिकी 3 में? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।